एबीवीपी ग्रीडी के द्वारा सोमवार को ग्रीडी कॉलेज के प्रचार गेट पर तालाबंदी कर पांच मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बाबत परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीते शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक तालाबंदी कर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ग्रीडी महाविद्यालय के प्राचार्य उनसे वार्तालाप करने कॉलेज नहीं पहुंचे। परिषद के कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि प्राचार्य परिषद के सवालों से डरते हैं, इसलिए वह शुक्रवार को सामने नहीं आए। आज फिर हम लोगों ने पांच सूत्री मांगों को लेकर ग्रीडी महाविद्यालय में तालाबंदी किए। हम लोग सुबह 9 बजे से लगातार 12 बजे तक आंदोलन करते रहे, तब जाकर प्राचार्य आए और इनकी बातों को सुनने के बजाय वह हमें प्रशासन की धमकी देने लगे, हमारा वीडियो बनाने लगे। यह बहुत निंदनीय है। प्राचार्य के द्वारा हमारे पांच मांगों को बहुत जल्द पूरा करने का वादा किया गया, लेकिन अब हम लोगों को प्राचार्य के बोले हुए शब्द पर भरोसा नहीं है, इसलिए प्राचार्य के द्वारा हमें लिखित दिया गया कि हमारी कुछ मांगे जो कॉलेज के हाथ में है वह 2 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, और जो यूनिवर्सिटी का मांग है उसे यूनिवर्सिटी से बात करके जल्द पूरा करवाने का पहल किया जाएगा। तब जाकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ताला खोला। मौके पर नितेश तिवारी, शुभम कुमार, सदानंद राय, अंकुश कुमार, गौतम हेम्ब्रम, विवेक कुमार, विवेक वर्मा, निशांत कुमार, दीपा सेठ, अर्पिता कुमारी, पूनम कुमारी आदि छात्र छात्राएं मौजूद थे।